सो गाइस फाइनली Redmi K30 Pro सीरीज का ऑफिशियल लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है ऑन मार्च 24th, और Xiaomi Redmi K30 Pro सीरीज में एक नहीं बल्कि दो डिवाइस लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, Redmi K30 Pro में इस बार आपको एक नहीं बल्कि दो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। एक होगा Redmi K30 Pro और एक होगा Redmi K30 Pro Zoom Edition, जो कि Redmi सीरीज में पहला कैमरा स्पेसिफिक डिवाइस होगा। Redmi K30 सीरीज के ऑफिशियल रेंडर लाइव इमेज के साथ साथ कंप्लीट स्पेक्शीट भी वाइबो पर लीक हो चुका है। तो आगे वीडियो में हम इन डिवाइस के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ये डिवाइस किस प्राइस पर लॉन्च होंगे और इंडिया में आपको कब तक देखने को मिलेंगे को लेकर बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हे गाइज, मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। गाइज, Redmi K30 Pro सीरीज ऑफिशियली 24th मार्च को चाइना में लॉन्च होने वाला है, जहां ये स्मार्टफोन पावर करेंगे स्नैपड्रैगन 865 के पावरफुल SoC के ऊपर, और दोनों ही डिवाइस 5G सपोर्ट के साथ में आएंगे। आप Redmi K30 Pro के लाइव इमेज भी यहां देख सकते हैं, और जो ऑफिशियल रेंडर है वो भी सामने निकल कर आ चुका है। डिवाइस कम्प्लीट ग्लास बिल्ड के साथ में आएगा, जहाँ आपको इस बार गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो डिवाइस बिल्ड क्वालिटी वाइज और देखने में काफी प्रीमियम होगा। दोनों ही डिवाइस के जो कम्प्लीट स्पेसिफिकेशंस है वो वाइबो पर लीक हो चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्पेक्स को लेकर बात करें तो ये डिवाइस 6.4 इंचेस के एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आएंगे। ये डिस्प्ले एक फुल व्यू डिस्प्ले होगा, जहां आपको इस बार पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। ये डिस्प्ले 60Hz का रिफ्रेश रेट और 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी सपोर्ट करेगा। बात करें अगर कैमरास को लेकर, तो कैमरा काफी यूनिक होने वाला है। सर्क्यूलर कैमरा डिजाइन के साथ में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, ठीक वैसा ही जैसा आपको Huawei Mate 30 में देखने को मिला था। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल सोनी IMX686 देखने को मिलेगा। इसके अलावा वही टिपिकल कैमरा सेंसर्स मिलने वाले हैं, लेकिन Redmi K30 Pro का जो जूम एडिशन होगा वहां पर आपको एक टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और बताया जा रहा है कि ये डिवाइस काफी अच्छी जूमिंग कैपेबिलिटीज के साथ में आने वाला है। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा रहने वाला है। प्रोसेसर जैसा कि मैंने बताया कि काफी पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन 865 मिलने वाला है, और Redmi K30 Pro पहला ऐसा डिवाइस होगा जो इस प्रोसेसर के साथ में सबसे चीपेस्ट प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बैटरी की बात करें तो 4700 mAh तक की देखने को मिल सकती है, जहां पर आपको इस बार 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही डिवाइस LPDDR5 रैम के साथ UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट करेंगे। Redmi K30 Pro 8GB रैम के साथ में 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में आएगा। वहीं Redmi K30 Pro जो जूम एडिशन होगा वहां आपको 12GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। दोनों ही डिवाइस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10 के ऊपर आएंगे, जो कि MIUI 11 बेस्ड होगा। इसके अलावा दोनों ही डिवाइस में आपको NFC का सपोर्ट भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर, तो Redmi K30 Pro का जो प्राइस होगा वो अराउंड 30,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें इसके इंडिया लॉन्च की, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि इंडिया में ये डिवाइस नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा डिफरेंट नेम से। इंडिया में ये डिवाइस हो सकता है आपको Poco F2 के नाम से देखने को मिले। अगर इंडिया में डिवाइस 30,000 से कम के बजट पर आएगा, तो डेफिनेटली आपको स्पेक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। ये डिवाइस अप्रैल के सेकंड वीक तक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके अकॉर्डिंग अगर Redmi K30 Pro Poco F2 के नाम से इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या आप इसे लेने में इंटरेस्टेड होंगे, और आपके अकॉर्डिंग इस डिवाइस का जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ Redmi K30 Pro सीरीज़ को लेकर, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ Redmi K30 Pro का जो जूम एडिशन होगा ना, वहाँ पर आपको कैसा कैमरा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या कुछ सामने निकल कर आता है 24th मार्च को। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे क्विक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।